नहीं करना सो so, अगर हम डायग्रामेटिकली वाइज देखें कि अगर हम मक्स की बात करते हैं सो लेट्स स्टार्ट विथ टू बाई वन मक्स ठीक है टू बाय मक्स ठीक है मक्स बेसिकली इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर मल्टीप्लेक्सेज तो हम मोस्टली टर्मिनोलॉजी में मक्स ही यूज कर रहे होते हैं तो वी विल बी यूजिंग मक्स तो मक्स के अगर हम सिंबल्स की बात करें तो डिश शोज के हमारे पास जो फर्स्ट वेरिएबल होता है अगर आप आपको कहीं भी लिखा हो कि भाई ये मक्स है उसके ऊपर फर्स्ट आते में टू बाय वन या कोई भी नंबर एक वैल्यूज लिखी है जिसमें बीच में मल्टीप्लाई की साइन हो तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि मल्टीप्लाई से पहले जो नंबर लिखा होता है दिस शोज एंड इनपुट्स कि भाई आपके इस मक्स के मॉड्यूल के अंदर इनपुट्स कितने होंगे और मल्टीप्लाई के बाद अगर आपके पास कोई वेरिएबल लिखा है तो दिस शोज के आपके पास आप उस वेरिएबल के इस डिजाइन के आउटपुट्स कितने होंगे सो दिस के मेरे पास जो मक्स होगा उसके दो इनपुट्स होंगे जो दो डेटा आ रहे होंगे और उसमें से मुझे एक आउटपुट पोर्ट पे किसी दो में से किसी एक को मुझे मैप करना होगा सो so अगर हम इसकी ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं तो के like मेरे पास दो इनपुट्स हैं मक्स का अगर आप सिंबल दिखाएं तो इस तरह का आपके पास मक्स का कोई सिंबल बनता है एंड इट प्रोड्यूस एन आउटपुट तो अगर हम बात करें कि दिस इज समथिंग ए दिस इज बी एंड दिस इज वाई ठीक है अच्छा हमने मक्स की बात की कि मक्स इज लाइक अ डेटा सेलेक्टर तो यहाँ पे इसको किस तरह से पता चलेगा कि इसको ए को सेलेक्ट करके वाई पे भेजना है या बी को सेलेक्ट करके वाई पे भेजना है तो इसके लिए इसके अंदर एक और मजीद एक इनपुट इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसको हम नाम देते हैं एस सेलेक्टर पिन का ठीक है अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेलेक्टर पिन आप बता रहे होते हैं कि आपके मक्स के डिजाइन के अंदर इनपुट्स कितने होंगे ठीक है अगर आप इनपुट्स की बात करें अगर मैं बोलूँ कि भाई इनपुट्स की जो टर्मिनोलॉजी है वो किस तरह होती है टूर टू पावर एस ठीक है अगर आपके पास अभी हमारे पास जो एस है वो वन बिट का है तो आपके पास इनपुट्स कितने अवेलेबल हो सकते हैं दो अवेलेबल हो सकते हैं इसी तरह अगर आपके पास एस जो है अगर आप उसको टू बिट्स का देते हैं तो आप उसके हिसाब से फोर इनपुट्स के कॉम्बिनेशन मक्स के ऊपर आप बना सकते हैं ठीक है और मजीद अगर फर्दर ऑन जाए तो इस तरह मजीद जितने आप सेलेक्टर पिंड की बिट्स को आप इंक्रीज करते जाएंगे इतने ही आपके मक्स के इनपुट्स आपके इंक्रीज होते जाएंगे लेकिन आउटपुट हमेशा उसका एक ही रहेगा अब हम बात करते हैं कि इसके ट्रूथ टेबल की मक्स का जो तो ट्रूथ टेबल है वो किस तरह से डिजाइन किया जाता है तो मक्स के ट्रूथ टेबल के अंदर आपके पास सिर्फ एक इनपुट होता है और हमारे पास सिर्फ एक आउटपुट होता है इनपुट विल बी एन एस आउटपुट विल बी एन वाई ठीक है ए एन बी इनपुट होते हैं लेकिन उसका ऑपरेशन वो सिर्फ मैपिंग के लिए होते हैं कि कौन से इनपुट को मुझे वाई के ऊपर मैप uh, करवाना है तो अगर मेरे पास सेलेक्टर पिन जो मेरी है या सेलेक्टर बिट जो है उसका वेरिएबल अगर मेरे पास जीरो है तो ऐसे के जब भी एस की जो सिग्नल है वो जीरो होगा तो मैं क्या करूंगा वाई के ऊपर ए को पास ऑन कर दूंगा इसी तरह अगर एस मेरे पास वन होगा तो मैं वाई के ऊपर जो भी मेरा बी का नंबर है बी की जो भी वैल्यू है मैं उसको वाई के ऊपर असाइन कर दूंगा तो अगर हम इस ब्लॉक डायग्राम के ऊपर देखें तो अगर एस इज जीरो सो ए विल गोइंग टू कनेक्ट टू द वाई और अगर एस वन है तो मेरा जो बी होगा वो कनेक्ट हो जाएगा वाई के ऊपर बेसिकली मल्टीप्लेक्सर सम हाउ एक्ट लाइक अ स्विच ठीक है अगर हम स्विच की बात करते हैं कि हमारे पास एक ये वेरिएबल आ रहा है एक आपके पास ये वेरिएबल आ रहा है ठीक है इसको अभी हम नेमिंग दे देते हैं ए का इसको नाम दे देते हैं बी का और ये आपके पास है सलेक्टर प्रिंट ठीक है और यहाँ पे आपके पास वाई ये अगर आप सल, अगर आपके पास ये स्विच है अगर मैं स्विच को अगर ए से कनेक्ट कर दूंगा तो मेरे पास जो भी ए की वैल्यू है वो होती हुई मेरे पास वाई पे मैप हो जाएगी इसी तरह अगर मैं अपनी बी वाली स्विच को ऑन कर देता हूं तो मेरे पास जो बी की जो वैल्यू है वो पूरी यहां से अगर आप इसको देखें तो फ्लो होती हुई मेरे पास वाई के ऊपर आ रही होगी सो so, मक्स की जो फंक्शनैलिटी है कुछ सम्हा बेसिकली स्विच की तरह होती है अगर आप टू बाई वन की मक्स की बात करें अगर मजीद मक्स के हम फिर डिटेल्स के अंदर आगे मजीद वीडियोज के अंदर हम उसको देख रहे होंगे सो दिस इज ऑल फॉर द थ्योरी सेक्शन लेस मूव टूअर्स द कोडिंग कोडिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको वेरी लॉक टू उसको ओपन करना होता है कोड उस पर आप जाके क्या करते हैं ओपन फोल्डर ठीक है ओपन फोल्डर में आप अपने पास मक्स तो we'll के फोल्डर को आपने क्या कर लिया ओपन कर लिया अच्छा मक्स के फोल्डर के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना यू हैव टू मेक अ फाइल तो सबसे पहले हम अपने फाइल बना लेते हैं डिजाइन डॉट बी ठीक है

Y, उटपुट और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं सबसे पहले हमें क्या काम करना होता तो है कि हमारे inputs यहाँ पे कौन कौन से declaring तो A, comma, B, comma, S। Then second part will be declaring output। ठीक है तो इसको हम output नाम दे देते हैं Y का अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज आपको ऐड करता हूं कि हमारे पास अभी हम जितने भी सारा प्रोग्राम कर रहे थे हम सिंगल बिट के ऊपर प्रोग्राम कर रहे थे राइट तो इसीलिए हम ए बी एन एस को एक साल लिख देते हैं कि भाई ये सिंगल बिट के ही नंबर है लेकिन नाउ वी आर गोइंग टू चेंज अवर समथिंग मैं इस ए एंड बी को मल्टी बिट्स के ऊपर ला रहा हूँ यानी कि टू बिट नंबर ठीक है वो किस तरह से मैंशन होंगे यानी कि अगर मैं आपको बात कर रहा हूँ कि यूजिंग A and B as two bit input ठीक है तो अब आपके पास अलग अलग बिट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम अलग अलग इनपुट के कीवर्ड्स को यूज करेंगे ठीक है अगर हमारे पास सिंगल बिट है तो हम सिर्फ इनपुट एस लिख देते हैं विश्वास के हमारे जो तो एस का सिंगल है सिग्नल होगा वो सिवाय सिंपल वन बिट का होगा अब हमें बताना है कि भाई ए एन बी आर टू बिट्स नंबर तो उसके लिए आप क्या करते हैं इनपुट

और जहां पे आप इसको जीरो से अगर हमारे इनपुट्स दो बिट्स के हैं तो हमारे आउटपुट भी जो होंगे वो कितने बिट्स के होंगे दो बिट्स के ही होना चाहिए ठीक है अगर आउटपुट आप एक से वन बिट का रखेंगे तो आपका ए एंड बी का जो डाटा है वो आपके पास लॉस हो जाएगा क्योंकि आप दो बिट के नंबर को वन बिट के ऊपर मैप करने की कोशिश कर रहे होंगे तो इसी तरह जिस तरह हमने इनपुट को टू बिट्स का मेंशन किया हुआ है इसी तरह हम यहाँ पे आउटपुट को भी टू बिट्स का मेंशन करेंगे कि इज बिट नंबर जिस तरह का इनपुट होगा उसी तरह का आउटपुट डिक्लेयर करना लाजमी है विद अकॉर्डिंग टू मक्स लॉजिक क्योंकि मक्स के अंदर आप सिर्फ डाटा को सिलेक्ट करते हैं कि किस डाटा को मुझे अपने आउटपुट पोर्ट के ऊपर लाना है तो जिस तरह की इनपुट पोर्ट होगी मक्स के लिए उसी तरह की उसकी आउटपुट पोर्ट भी आप डिक्लेयर करेंगे ठीक है अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास डिक्लेयरिंग आउटपुट हो जाता है उसके बाद हम आ, हमारी जो कॉमन प्रैक्टिस होती है वो होती है डिक्लेयरिंग इन सिग्नल्स की ठीक है अभी हमें यहाँ पे इन सिग्नल्स की जरूरत नहीं है तो हम उसको एम टी रखेंगे उसके बाद हमारे पास आता है मॉड्यूल इनिशिएशन की हम यहाँ पे मॉड्यूल इनिशिएट भी नहीं कर रहे तो हम उसको भी यहाँ पे एम टी रखेंगे उसके बाद हमारे पास जो पार्ट आता है वो आता है लॉजिक डिज़ाइन की लॉजिक डिजाइन में हम यहाँ पे बेसिकली अभी डेटा फ्लो मॉडलिंग ही को यूज करेंगे कि किस तरह उसको यूज करेंगे लेकिन यहाँ पे आज हम उसके एक नए ऑपरेटर को यूज कर रहे होंगे टर्नरी ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर वर्क किस तरह से करता है बेसिकली ये सिंपल आपके इफ एल्स की कंडीशन की तरह बात काम करता है ठीक है आप जैसे इफ एल्स का कोड लिखते हैं कि अगर इफ ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है नहीं तो एल्स की कंडीशन में जो चीज लिखी हुई है आप परफॉर्म करते हैं सो टर्नरी ऑपरेटर इज समथिंग लाइक इफ एंड एल्स तो सबसे पहले आप इसके जो ऑपरेटर की जो कंडीशन फॉर्मेट uh, होता है आप एक करते हैं, calendar, उसके बाद आता है। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब ट्रू होती है तो आपके पास क्वेश्चन मार्क के बाद जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपके आउटपुट पे आ जाएगी नहीं तो कॉलन के बाद हम लिख देते हैं सेकेंड वैल्यू सो आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो जो भी फर्स्ट वैल्यू है वो आपके आउटपुट पे आ जाएगी अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आपके पास जो सेकेंड वैल्यू है वो फिर आपके आउटपुट पे शो हो रही होगी ठीक है अगर हम इसकी कोडिंग करें कि हमें अपने आ, उसके हिसाब से अगर मक्स के हिसाब से हमें किस तरह से डिजाइन तो हम असाइन वाई करेंगे इक्वल्स टू कंडीशन कंडीशन हमें यहाँ पे किसकी चेक करनी है एस की हम यहाँ पे एस को चेक कर रहे होंगे कि एस अगर जीरो होगा तो ए सेलेक्ट हो जाए अगर एस वन है तो हमारे पास बी सेलेक्ट हो जाए तो वो कंडीशन कैसे चेक होगी कि वी आर यूजिंग एस डबल इक्वल्स टू नॉर्मल जो कम्पेरिजन का आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं डबल इक्वल्स टू वन बिट बाइनरी जीरो अच्छा ये याद रखिएगा कि हमने ए एंड बी को टू बिट नंबर्स डिफाइन किए हैं लेकिन हमने एस को हमेशा सिंगल बिट नंबर ही अभी तक डिफाइन किया हुआ है क्योंकि अभी हमने देखा था कि अगर आप एस की पावर वन एस की बिट वन है तो उसके आपके लिए दो इनपुट्स के कॉम्बिनेशन बनते हैं अगर आप एस की बिट बढ़ा देंगे तो आपके इनपुट कॉम्बिनेशन फिर जो इनपुट सिग्नल होंगे वो फिर बढ़ जाएंगे तो अभी हम टू बाई वन का मक्स बना रहे हैं तो एस हमेशा सिंगल बिट का ही होगा उसके बाद कंडीशन अच्छा एस अगर डबल इक्वल्स टू जीरो है तो मेरी कंडीशन ट्रू होने पे क्या वैल्यू असाइन होनी चाहिए ए होनी चाहिए वाई के ऊपर ए असाइन होना चाहिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा ए वेरिएबल जो भी ए की वेरिएबल है ए का इनपुट है वो आप वाई के ऊपर असाइन कर देना नहीं तो जो बी की वैल्यू है वो मुझे असाइन करनी है ठीक है ये कंडीशन बिल्कुल आपके टू टेबल से वेरीफाइड होगी so अगर जीरो नहीं होगी तो यकीनन एस की आपकी वैल्यू वन ही होगी क्योंकि बाइनरी के अंदर सिंगल बिट में या तो जीरो वैल्यू हो सकती है या तो फिर आपके पास वन वैल्यू हो सकती है उसकी मजीद कोई कॉम्बिनेशन आपके पास अवेलेबल नहीं होते सो दिस इज ऑल फॉर अवर डिजाइनिंग पार्ट कि हमने किस तरह अपने uh, मक्स को डिजाइन किया यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर अब हम इसके ऊपर बात करते हैं कि अब डिजाइन के बाद हमारे पास सेकंड फाइल जो आती है वो हमारे पास आती है टेस्ट बेंच डॉट बी की फाइल ठीक है अगेन ये सारा सिंटेक्स आप पीछे वीडियोस में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो आई गएस के फेमिलियर हो चुके होंगे कि किस तरह आपकी टेस्ट बेंच वगैरह डिजाइन की जाती है तो हम इसको हम क्विकली इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि आपके पास सबसे पहले मॉड्यूल का नाम मॉड्यूल के नाम की वर्ड मॉड्यूल के की वर्ड के बाद उसका uh, नाम जैसे टीवी का नाम है और उसके साथ आपके पास एन मॉड्यूल टीबी डिक्लेयर करने के बाद सबसे पहले हमारा काम होता है डिक्लेयरिंग डिजाइन हमारा डिजाइन क्या था मक्स था तो मक्स विल भी डिजाइन ने उसको हम अपना यूजर इंटरफेस का नाम देते हैं डा उसके बाद उसके आ जाते हैं स्पोर्ट डिक्लेयर पोस्ट डेफिनेशन ठीक है सबसे पहला पोर्ट है ए कॉमा बी कॉमा एस कॉमा डॉट वाई ठीक है अगेन मेरे पास यहाँ पे अब अगर इसको देखते हुए मैं अपने टेस्ट बेंच के वेरिएबल्स को क्या कर रहे होंगे हम डिक्लेयर कर रहे होंगे अच्छा अब डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स की बात करें तो हमने ये बात देखी हुई है कि जब भी आप टेस्ट बेंच के अंदर वेरिएबल्स इनपुट्स को डिक्लेयर करते हैं तो हम रेच का कीवर्ड यूज करते हैं और आउटपुट के लिए वायर के की यूज करते हैं पिछले जितने भी हमने टेस्ट बेंचेस बनाई थी उसमें हम हमेशा एक ही रेट का कीवर्ड यूज करके सारे इनपुट्स को डिक्लेयर करते थे क्योंकि वो सारे सेम बिट्स के होते थे उनकी जो बेट होती थी वो सारी सेम होती थी लेकिन अब हमारे पास ऐसा नहीं है हमारे पास जो इनपुट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट बिट्स के हमारे पास अवेलेबल है तो हम यहाँ पे डिफरेंट की रेड के की को यूज करके उन नंबर्स को डिक्लेयर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे होंगे जिस तरह हमने अपने डिजाइन के अंदर किया है तो सबसे पहले मैं सिंगल बिट के रेच को डिक्लेयर कर लेता हूँ कि भाई एस जो है सिंगल बिट उसके बाद जिस तरह हमने इनपुट के अंदर टू बिट्स के नंबर को डिक्लेयर किया था इसी तरह हम यहाँ पे रेच को टू बिट्स के नंबर पे डिक्लेयर कर रहे होंगे जो है हमारे ए कॉमा बी ठीक है सिर्फ की वर्ड चेंज हुआ होता है टेस्ट में डिजाइन के अंदर बाकी जो इसके डिक्लेरेशन का जो फॉर्मेट है वेरिएबल्स का वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है उसके बाद हमारा जो आउटपुट होता है वो डिक्लेयर होता है वायर के साथ वायर भी मेरा टू बिट्स का वायर है तो वायर इज इक्वल्स टू वाई ठीक है

बिगिन को यूज करेंगे सबसे पहले मैं वैल्यू असाइन करता हूँ ए के ऊपर अच्छा पिछले जितने भी टेस्ट बेंच में हम वैल्यू ए को असाइन करे थे हम उसमें वन बिट बाइनरी कोई नंबर लिखते थे अब हम इसको करेंगे वेरिएबल को टू बिट बाइनरी क्योंकि हमारे पास जो ए है वो टू बिट का नंबर है तो हाउ वी आर गोइंग टू डिक्लेयर इस वी वे फर्स्ट है कि भाई ये जो नंबर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ वो दो बिट का है उसके बाद बाइनरी फॉर्मेट के अंदर टू बिट बाइनरी फॉर्मेट के अंदर डिक्लेरेशन नंबर की कैसे होती है अगर आप जीरो जीरो डिक्लेयर कर रहे हैं तो विल बी जीरो अगर आप जीरो वन डिक्लेयर कर रहे हैं तो जीरो वन अगर आप वन जीरो हैं, तो विल आप हर एक नंबर के के लिए एक के लिए एक एक बाइनरी बिट आप नंबर यूज करते हैं वन और जीरो तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ ए को टू बिट बाइनरी वन वन डिक्लेयर कर रहा हूँ इसी तरह मैं बी को यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ टू बिट बाइनरी जीरो वन ठीक है अलग अलग नंबर्स डिक्लेयर करने की वजह ये कि हम इसको थोड़ा विजुलाइजेशन कर सके किस तरह मल्टी नंबर्स के हमें जो वेब फॉर्म है वो किस तरह से शो हो रही होती है उसके बाद डिले हंड्रेड से अच्छा अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने एक इनपुट अभी अपना जो प्रोवाइड जो सेलेक्टर का जो इनपुट है वो प्रोवाइड नहीं किया मैंने सिर्फ ए और बी को प्रोवाइड किया है सेलेक्टर को प्रोवाइड नहीं किया हुआ कि सेलेक्टर की वैल्यू क्या होगी तो जब तक मैं सिलेक्टर की कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करूंगा तो वो उसके लिए एज अ गार्बेज वैल्यू डिक्लेयर कर रहा होगा कि भाई ना ये जीरो है ना ही कोई डिफाइन वैल्यू है ये कोई गार्बेज वैल्यू है तो इसके ऊपर किस तरह का ऑपरेशन होता है वो हम उसको मजीद देख लेते हैं आफ्टर हंड्रेड कि सिंगल इनपुट है उसको मैं कर देता हूँ जीरो उसके बाद हंड्रेड सेकेंड्स का डिले देन मैं दोबारा उसी एस को डिक्लेयर कर देता हूँ वन बेट वन और हंड्रेड का डिले अच्छा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने दूसरी बार और तीसरी बार ए बी को चेंज नहीं किया हुआ क्योंकि ए बी मेरे फिक्स है मैं सिर्फ एस को चेंज करा यानी कि मैं सिर्फ अपने सेलेक्टर को चेंज करके देखूंगा कि मेरे वाई के ऊपर कौन सा इनपुट जो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, वो मेरे पास आउटपुट पे आ रहा है इनपुट डिक्लेयर करने के बाद जो लेक्स लास्ट पार्ट होता है हमारे पास डिक्लेयरिंग दम कमान ठीक है तो उसके लिए आप यूज करते हैं इनिशियल बिगिन ठीक है आई ये सारे सिंटेक्स आपको याद हो चुके होंगे तो डेफिनेटली हो स्पीड में इसको मूव करके हम जा रहे हैं लेट्स मूव के हमें इसके ऊपर क्या करना है हमें अपनी कमांड चलानी है तो ओपन कर लेता हूं फर्स्ट वी टू चेक की डायरेक्टरी के अंदर ही द yes, मक्स डायरेक्टली कमांड आई वेरी लॉग माइनस ओ

तो सेव करने के बाद आप इसको दोबारा रन कर लें सो सी के उसने तो जो एरर था वो उसने रिमूव कर दिया ठीक है थीके? बहुत सी बार इस तरह के एरर आते हैं कि आपने डिजाइन को सेव नहीं किया हुआ था तो उसके लिए वो कहता है कि भाई इस तरह की कोई फाइल मेरे लिए अवेलेबल नहीं है आई ब्रिजो की कमान के बाद हम चलाते हैं आउट डॉट वी की कमान आउट डॉट वीवीपी की कमान वी चलाएंगे अच्छा सॉरी इसमें हमें चलाना होता है वी आउट डॉट वी वी कमान चलाएंगे तो इस ओपन द दम फाइल अब हमें क्या करना है कि नए बैच में जाके वी हैव टू ओपन अवर जी टी के वे ठीक है अगेन इसमें मैं डॉट कॉम डॉट ब्लैक यूज करके इसको यूज कर रहा हूँ ताकि वो डायरेक्टली मेरी फाइल को ओपन कर दे ओके। दिस को बंद कर लेते हैं यहाँ से हम न्यू टर्मिनल ओपन कर लेतेम डॉट बी सी डी ठीक है इसके अंदर आप देखें टेस्ट बेंच के ऊपर तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे पास ए और बी जो है वो मल्टी बिट सिग्नल है जबकि हमारे पास जो एस है वो सिंगल बिट सिग्नल है इसी तरह वाई जो है हमारे पास मल्टी बिट सिग्नल है तो अगर मैं ए को और बी को यहाँ पे मैंशन करूँ एस एंड वाई ठीक है इसको हम थोड़ा जूम फिट कर लेते अब ये आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि मेरे पास इनिशियली मैंने ए और बी को वैल्यू असाइन की थी वन वन तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब इसने मुझे वो सिंगल बे फॉर्म नहीं दिखा रहा वो मुझे इसकी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर बेस्ट दिखा रहा है तो इसने मुझे यहाँ पे क्या शो किया हुआ है वन है वन शो किया हुआ कि भाई आपने जो वैल्यू असाइन की थी वो वन वन असाइन की थी बी के ऊपर जीरो वन टेस्ट बेंच में अगर आप देखेंगे तो हमने इनिशियली टेस्ट बेंच के अंदर मैंने अपने एस को कोई नंबर प्रोवाइड नहीं किया था जब मैंने उसको एस की फर्स्ट इनपुट पे कोई वैल्यू असाइन नहीं की थी तो उसने बाई डिफॉल्ट उसको क्या वैल्यू असाइन कर दी है एक्स और इस एक्स को आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही रेड हुआ हुआ है जिसकी वजह से उसने आउटपुट पे भी मुझे गार्बेज वैल्यू असाइन की हुई यानी कि उसने प्रॉपर वैल्यू को असाइन नहीं की हुई उसने एक्स वन वैल्यू असाइन की जो ना कि मेरे ए की वैल्यू है ना ही वो मेरे बी की वैल्यू है ठीक है तो दिस इज द बिहेवियर के अगर आप अपने टेस्ट बेंच से जब कोई इनपुट प्रोवाइड नहीं कर रहे होंगे तो आपको इस तरह का एक्स फॉर्म शो कर रहा होगा जिसको हम एक्स प्रोपोगेशन के नाम से मेंशन कर रहे होते हैं उसके बाद हमने क्या किया है? कि हमने आ, कुछ हंड्रेड सेकेंड्स के बाद हमने अपने एस को जीरो प्रोवाइड किया हुआ तो आप इसको आप देख सकते हैं के के अंदर कि आपको बाद यू गॉट द एस इनपुट ऑफ जीरो अकॉर्डिंग टू वो क्या कहता है कि जब आप एस को जीरो रखेंगे तो ए की जो वैल्यू होगी वो आपके वाई पे आनी चाहिए तो लेट्स सी कि हमने जो ए की वैल्यू असाइन की थी जीरो जब हमने एस की वैल्यू असाइन की जीरो तो हमारे पास ए क्या था वन मन तो एग्जैक्टली exactly हमारे पास वाई पे भी क्या आ रहा है one, one हमें शो हो रहा है उसके बाद हमने सेकेंड अगर कंडीशन कि जब हम S को असाइन करेंगे तो बी शुड बी असाइन टू द वाई तो अब देखते हैं कि जब हमने हंड्रेड सेकेंड के बाद हमारे एस को वन किया है तो हमारे पास जो वाई के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो एग्जैक्टली वैल्यू किसकी आ रही है बी की आ रही है ठीक है थीके? अगर आप इसको मजीद हमारे पास दूसरे कॉम्बिनेशन होते हैं अगर हम फोर बाई वन का मर्स बना रहे होते का मक्स बना रहे होते हैं, तो हम एस की डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर फिर डिफरेंट इनपुट्स को हम मैप करके देख रहे होते यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सिंगल बिट एस है तो हम सिर्फ दो वैल्यूज को देख सकते हैं या तो ए या तो बी तो जब एस जीरो है तो आप देखें तो वाई के ऊपर एग्जैक्टली ए को इसने मैप कर दिया जो ए की वैल्यू थी और जब एस आपके पास वन है तो जो बी की वैल्यू है उसने बी की वैल्यू को आपको वाई के ऊपर असाइन कर दिया है सो दिस इज ऑल फॉर टू बा आई होप कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी मज़ीद आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या आप इसक इनपुट ए एंड बी की वैल्यूज को चेंज करके या मजीदेन्स के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं या आप इसी को यूज करते हुए फोर बाई वन मार्क्स को बना के अपनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं सो दैट इज ऑल फॉर टूडे थैंक यू वेरी मच